अ वेरी हेल्दी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास ऑफ मॉरल वैल्यू एंड आई एम योर मॉरल वैल्यू टीचर एंड टुडे वी आर इन चैप्टर नंबर सेवन द गोल्ड कॉइन नाउ आई एम स्टार्टिंग द चैप्टर बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर एंड द समरी ऑफ दिस चैप्टर वट इज़ गोइंग ऑन दिस चैप्टर इस चैप्टर में क्या आपको समझाया जा रहा है उसका जो बेसिक मॉरल है वो हम इस पैराग्राफ में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन वॉट इज नेसेसरी एंड वॉट इज़ नॉट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ इन दोनों चीज़ों में कि क्या हमारे लिए आवश्यक है और क्या नहीं एवरी वन इन्फ्लुएंस बाई मूड्स टू सम एक्सटेंट हर किसी का व्यवहार है जो कुछ घटनाओं के कारण इन्फ्लुएंस हो जाता है वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर मूड्स बैटर सो एज टू गेन कंट्रोल ओवर दैम एंड टू अवॉयड डूइंग थिंग्स विच वी मे रिग्रेट लेट हमारे जो व्यवहार है हमें चाहिए कि हम उसे समझें उसे कंट्रोल कर पाएँ ठीक है ताकि आने वाले समय में उसके कारण हमें कुछ बड़ा नुकसान न झेलना पड़े वेन वी आर अंडर इमोशनल रिलेशन एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं भावुक होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वी बिकम लेस ऑब्जेक्टिव इन आवर थिंकिंग तो हमारी सोच में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं रहते हम ज़्यादा अच्छा सोच नहीं पाते हैं एनी डिसीजन्स रीस्ड ड्यूरिंग सच पीरियड्स और ऐसे समय में जो हम डिसीजन लेते हैं लाइकली टू बी बाइस्ड वो उतने ज़्यादा श्योर नहीं होते हैं सही नहीं होते टेक सम मोमेंट्स टू अलाउ द माइंड टू कूल डाउन ऐसे समय में हमें कुछ समय लेना चाहिए और अपने दिमाग को शांत करना चाहिए एनालाइज द सिचुएशन सिचुएसन को एनालाइज करना चाहिए समझना चाहिए परखना चाहिए थिंक दैम ओवर उसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए डिसीजन एंड जजमेंट्स मेड विद अ काम माइंड अन इन्फ्लुएंस्ड बाई मूड्स आर ऑलवेज लेस बाइस्ड एंड बेटर शांत दिमाग से और बिना इन्फ्लुएंस हुए जो डिसीजन हम लेते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं वो ज़्यादा बायस नहीं होते सटीक होते हैं इसीलिए कभी भी कोई डिसीजन लेना हो या कोई निर्णय करना हो तो हमें शांत होना बहुत ज़रूरी है दिमाग को शांत करना रिलैक्स करना इज वेरी नेसेसरी एंड द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर इज़ द वर्ल्ड इज़ टू डेंजरस टू लिव इन ये जो पूरी जो दुनिया है जो संसार है बहुत ज़्यादा डेंजरस है रहने के लिए नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल हु डू इवाइ उन लोगों के लिए नहीं जो बुरा करते हैं बिकॉज ऑफ द पीपल हु सिट एंड लेट इट हैप्पन बल्कि उन लोगों की वजह से जो ऐसा होने देते हैं बैठ कर देखते रहते हैं और बुरा होने देते हैं उसे तो रोकते नहीं हैं बुरा करने वाला तो बुरा है ही लेकिन जो बुरे को रोक नहीं रहा है वो उससे भी बुरा है दैट इज द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर ओके नाउ द स्टोरीज स्टार्ट नाउ लॉन्ग टाइम अ गो दे आर लिव्ड अ रिच ट्रेडर नेम्ड आफ्ताब खान इन अ फेमस सिटी ऑफ अफगानिस्तान बहुत पहले की बात है एक बहुत अमीर व्यापारी था जिसका नाम आफ्ताब खान था वो अफगानिस्तान में रहता था ही वॉज नोन टू बी ऑनेस्ट इन हीज डीलिंग्स सो ट्रेडर्स फ्रॉम फार अवे प्लेसेस लाइक इंडिया ग्रीस चाइना एंड इजिप्ट ऑफन केम टू हिज प्लेस टू बाई गुड्स फ्राम हिम वो अपनी ईमानदारी के लिए और अपनी अच्छी डीलिंग के लिए इतना ज़्यादा फेमस था कि दूर दूर से के देशों से लोग उससे व्यवहार करने आते थे जैसे भारत ग्रीस चाइना इजिप्ट से ठीक है आफ्तान खान possessed ग्रेट वेल्थ उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत थी एंड फेमस वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी था बट ही रिमेंड अ वेरी सिंपल एंड हार्ड वर्किंग मैन लेकिन फिर भी वो बहुत ही साधारण और परिश्रमी व्यक्ति था बहुत हार्ड वर्क करता था ही नावर आई अवे हिज टाइम एंड वॉज ऑलवेज बिजी अटेंडिंग टू हिज कस्टमर्स विद ग्रेट ऑनेस्टी एंड ट्रू डेडिकेशन वो कभी भी खाली नहीं रहता था फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता था हमेशा पूरे डेडिकेशन के साथ अपने अपने जो भी इसके ट्रेडर्स और जो कस्टमर थे उनको डील करता था और पूरे डेडिकेशन से अपना काम करता था और ईमानदारी से ठीक है आफ्ताब खान हैड अ सन और उसका एक बेटा था हुम वॉज अल्ताफ उसके बेटे का नाम था अल्ताफ आफ्ताब और आफ अल्ताफ में कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है आफ्ताब वॉज द फादर एंड अल्ताफ वॉज द सन ओके बींग द ओनली चाइल्ड वो एक ही बच्चा था आफ्ताब खान हिम अ लॉट और आफ्ताब खान उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था ही वॉज ब्रॉट अप इन द लैप ऑफ लग्जरी एंड न्यू नथिंग एट ऑल ऑफ द हार्स रियलिटीज ऑफ लाइफ उसके बारे में कहा जाता था कि वो लग्जरी मीन्स सुख सुविधाओं की गोद में पैदा हुआ था और जिंदगी की जो कठिन रियलिटीज़ हैं वास्तविकताएं हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था आफ्ताब खान वॉज सो बिजी विद हिज बिजनेस आफ्ताब खान जो था वो अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहता था दैट ही कुड हार्डली स्पेयर एनी टाइम टू अटेंड टू द प्रॉपर अप ब्रिंगिंग ऑफ हिस्सन इसलिए उसे बड़ी मुश्किल से ही समय मिल पाता था अपने बेटे के साथ बिताने के लिए अलताफ ग्रेवअप अल्ताफ बड़ा होते जा रहा था टू बी एन आइडल यंग मैन और बिल्कुल ऐसा, निकम्मा कुछ जो काम नहीं करता ऐसा यंग मैन में वो बन गया था वो है नो वरी जिसे कोई चिंता नहीं थी एंड केयर कोई परवाह नहीं थी फॉर नो वन और एनी थिंग इन लाइफ अपने लाइफ के बारे में और किसी के बारे में से कोई चिंता ही नहीं थी वन डे अल्ताफ वॉज प्लेइंग विद फ्रेंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ द पॉन्ड नियर हिज हाउस एक दिन अल्ताफ अपने दोस्तों के साथ अपने घर के पास जो पॉन्ड बना हुआ था उसके किनारे खेल रहा था दे थ्रोइंग फ्लैट स्टोन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर वो आ, पानी में पत्थर डाल रहे थे स्टोन्स डाल रहे थे सो दैट इट स्किम्ड द वॉटर जिससे बॉब्ड अप एंड डाउन क्रिएटिंग रिपल्स ऑन द वॉटर सर्फेस उससे क्या हो रहा था जब पानी में हम कंकड़े पत्थर डालते हैं बबल्स उड़ते हैं और धाराएँ जैसी वेज जैसी निकलने लगती है तो ये सब हो रहा था जब वो डाल रहे थे उसमें पत्थर आफ्टर समसाइम अलताफ हु हैड नो रिगार्ड्स ऑफ मनी स्टार्टेड थ्रोविंग गोल्ड कॉइंस इन प्लेस ऑफ स्टोन्स कुछ समय बाद अलताफ़ क्या करने लगा जिसको पैसे की कोई परवाह नहीं थी सोने के सिक्के डालने लग गया ठीक है पत्थरों की जगह सोने के सिक्के पॉन्ड में डालने लगा सिंग दिस अ क्राउड गैदर्ड एंड पीपल स्टार्टेड डाइविंग इन टू द पॉन्ड टू रिकवर द गोल्ड कॉइंस जैसे ही लोगों ने देखा कि वो तो सोने के सिक्के पॉन्ड में डाल रहा है तो सब उसमें कूदने लग गए सब ने डुबकी लगानी शुरू कर दी पॉन्ड में सिक्के निकालने के लिए है ना हियरिंग द नॉइज ऑफ द क्राउड अब जब उस भीड़ भाड़ और शोर की आवाज जब अल्ताफ खान ने खान ने सुनी अल्ताफ खान केम आउट वो आया ही वॉज स्टं और उसने देखा तो वो बिल्कुल स्टन हो गया टू सी हि फ्लिंग गोल्ड कॉइन्स इन टू द पॉन्ट जब उसने देखा कि उसका जो बेटा है वो सोने के सिक्के तालाब में जा डाल रहा है ही वॉज वेरी अंग्री बट ही कंट्रोल्ड हिज टेम्पर उसको तो बहुत गुस्सा आ गया लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को रोका ही डिड नॉट विश टू स्कोल्ड हिज सन अनह्यूमिलेट हिम इन फ्रंट ऑफ द क्राउड वो अपने बेटे को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहता था और सारे लोगों के सामने डांटना नहीं चाहता था ही वैन टू सीक द एडवाइस ऑफ एन ओल्ड फ्रेंड मेहताब खान उसने कुछ सोचा और डिसीजन लेने के लिए या डिस्कस करने के लिए वो अपने एक पुराने मित्र के पास गया जिसका नाम था मेहताब खान चिल्ड्रन आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टूडे दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी आई विल कंप्लीट दैट इज स्टोरी ऑन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे होम एंड सेफ एंड रीड एंड लिशन रीड तो करेंगे कैसे बुक नहीं है लिशन द वीडियो प्रॉपरली एंड अंडरस्टूड वट इज गोइंग ऑन दिस वीडियो देन यूल विद द नेक्स्ट पार्ट टिल देन स्टे होम सेव एन आई स्टे